नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 10, लिंग। तो यहाँ पे हम लिंग देखेंगे। लिंग, लिंगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग भी। तो पुल्लिंग जैसे कि लड़का, इसका कन्नड़ा का अनुवाद होगा हुड़का। रवि, नाम रवि। पति, गंडा। नेता, नेता या फिर नायिका। स्त्रीलिंग, लड़की, अनुवाद होगा कन्नड़ा में हुड़ुगी। राधिका, नाम राधिका। दादी, अज्जी, बेटी, मगलु, पत्नी, हेंडती। ठीक है, अगर मगा जैसे कि हम बोलते हैं बेटा पुल्लिंग, तो उसका अनुवाद होगा मगा। विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, वो है जैसे कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़कर, जैसे कि लड़का हुड़का, लड़की हुड़की, राजा अरसा, रानी, यहाँ पे आप देख रहे हैं राजा और यहाँ पे ई हम जोड़ रहे हैं रानी, बूढ़ा आदमी या फिर बुढ़ा, मुदुका। बुढ़िया, मुदुकी, परमेश्वर, परमेश्वर या फिर देवरु, देवा, देवी, देवी, बहरा आदमी क्योड़ा, बहरी औरत क्योड़ी, अंधा आदमी कन्नु काणदवा या फिर कुरुड़ा, बहरी अंधी औरत कन्नु काणदवलु या फिर कुरुड़ी। पुल्लिंग के अंत में अगर हम ए जोड़ेंगे तो क्या होगा? पुरुष, मंत्री, सचिवा, मंत्री, सचिवे। चतुर, जाना, चतुर स्त्रीलिंग जाने। सुंदर, चलुवा, सुंदरी, चलुवे या फिर इसका अनुवाद सुंदर, सुंदरी भी हो सकता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्षे, अगर स्त्रीलिंग है तो वो होगा अध्यक्षे। पुल्लिंग में इति अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्राह्मणा, ब्राह्मणती, मुखिया, यहाँ पे हम मुख्यस्था भी बोल सकते हैं, ये मुख्यस्ते भी स्त्रीलिंग में हो सकती है, हो सकता है। गौड़ा, गौड़ती। अगर पुल्लिंग में हम इति जोड़ेंगे तो क्या होगा? धोबी, अगसा, धोबिन, अगसगित्ती। सपेरा, हावाड़िगा, सपेरी, हावाड़गित्ती। यहाँ पे आप देख रहे हो हम इति गित्ती को जोड़ रहे हैं तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम पुल्लिंग में गाती या गारती जोड़ेंगे तो क्या होगा? संगीतगार, संगीतकार, संगीतगारा, कन्नड़ा का अनुवाद संगीतकार, संगीतगारती स्त्रीलिंग, संगीतगारती स्त्रीलिंग। हत्यारा, कोलेगारा, हत्यारा, कोलेगारती या फिर हत्यारिनी, कोलेगारती। जादूगर, माटगारा। डायन, माटगारती या फिर माटगाती। अगर हम पुल्लिंग में इनी जोड़ते हैं तो क्या होगा? अध्यापक, उपाध्याय, कन्नड़ा का अनुवाद होगा उपाध्याय। अध्यापिका, कन्नड़ा का अनुवाद होगा उपाध्यायिनी। यहाँ पे आप देखिए हम इनी को जोड़ रहे हैं उपाध्यायिनी। छात्र, विद्यार्थी,
छात्र स्त्रीलिंग में विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी, ये हिंदी में भी अनुवाद आप कर सकते हो। अगर हम पुल्लिंग में लु जोड़ेंगे तो क्या होगा? ज्येष्ठ पुत्र हम जिसे बोलते हैं, दोड्डवनु या फिर दोड्डमगा, ज्येष्ठ दोड्डवनु, ज्येष्ठ दोड्डवलु। अच्छा आदमी ओळ्ळेयवनु, अच्छी औरत ओळ्ळेयवळु या फिर ओळ्ळेय हेंगसु। अच्छा आदमी का और एक अनुवाद भी हो सकता है ओळ्ळेय गंडसु। वह अवनु, यह इवनु, वह स्त्रीलिंग अवळु, यह आदमी इवनु या फिर ई व्यक्ति या फिर ई मनुष्य या फिर ई गंडसु, यह औरत इवळु या फिर ई हिंगसु। कुछ स्त्रीलिंग शब्द पूरी तरह से अलग हैं, जैसे कि हम उसको स्ट्रेट अवे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पति या फिर पति गंडा, पिता तंदे, ठीक है। तो पिता पुल्लिंग है तंदे, स्त्रीलिंग है माता ताई या फिर स्त्रीलिंग अम्मा पुल्लिंग अप्पा। पति गंडा, पत्नी हेंडती, राजा राजा, रानी रानी, वरा वरा, दुल्हन वधू वधू, छोटा भाई तम्मा, छोटी बहन तंगी, बड़ा भाई अन्ना, बड़ी बहन अक्का। नपुंसक लिंग, जैसे कि हम किसी वस्तु को संबोधित करते हैं या फिर किसी प्राणी को हम संबोधित करते हैं। गंडुनाई मेल डॉग कुत्ता, हेन्नु नाई कुतिया, ठीक है, हेन्नु नाई। गंडु हुली शेर, हेन्नु हुली शेरनी, जैसे कि टाइग्रेस। कुछ शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में उपयोग किए जाते हैं भले ही वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो, जैसे कि मगु बच्चा, यहाँ पे हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को संबोधित नहीं करते हैं, मगु बच्चा। जना लोग या फिर भीड़, जना जंगुली हम जब बोलते हैं उसको हम भीड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ संध्याएं पुल्लिंग के साथ साथ नपुंसक लिंग में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि चंद्रा चांद, चांद उग आया है, चंद्रा हुट्टितु या फिर चंद्रा हुट्टिदनु। हुट्टितु नपुंसक लिंग है, हुट्टिदनु हम चांद को एक पुल्लिंग के अस्तित्व में बोल रहे हैं। कुछ संध्याओं का उपयोग स्त्रीलिंग के साथ साथ नपुंसक लिंग में भी किया जा सकता है, जैसे कि देवते देवी, देवते दये तोरिसिदळु, देवते दये तोरिसिदळु, इसका अनुवाद होगा देवी ने दया की है या फिर देवी ने कृपया की है या फिर कृपा की है। इदु क्रूर देवते, जैसे कि हम बोलते हैं कुछ देवियां बहुत ही गंभीर होती हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं इदु क्रूर देवते, इदु क्रूर देवते अथवा इदु तुम्बा स्ट्रांग देवते, ऐसे भी आप बोल सकते हो, यहां पे आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर सकते हो। कुछ संध्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि आड़ू नौकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आड़ू
पुल्लिंग है तो नौकर, अगर वो स्त्रीलिंग है जैसे कि हम नौकरानी बोलते हैं तो वो होगा हेन्नो आड़ू। तो यहाँ पे देखिए आड़ू बंदनु पुल्लिंग, आड़ू बंदनु नौकर आ गया। आड़ू बंदलु, आड़ू बंदलु नौकरानी आ गई फीमेल, ठीक है। आड़ू बंदितु, अगर हम बहुत लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो आड़ू बंदितु नौकर आ गया या फिर नौकरानी आ गई, ये नपुंसक लिंग है। उल्लिखित नियम के अनुसार 90% शब्दों पर काम करता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होना अभ्यास के साथ आता है। जब संदेह हो तो इसे एक देसी मकाई वक्ता के साथ स्पष्ट करें। धन्यवाद। क्लिक सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड क्लिक ऑन ऑल टू गेट नोटिफाइड व्हेन वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस, क्लिक ऑन द चैनल एंड क्लिक ऑन प्लेलिस्ट्स एंड फॉलो एनी प्लेलिस्ट दैट यू वांट।